दांगी चैनल, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक और वैकेंसी के बारे में। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है, भर्ती परीक्षा कैलेंडर। इसमें हम जो बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, आप देखेंगे 90 नंबर पर जो भर्ती है, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा, जो कि ये परीक्षा अक्टूबर में होनी है। ये सबसे बड़ा इसमें ये खास परीक्षा है जिसमें ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, मतलब इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर पाएंगे, मतलब महिला के लिए ये भर्ती है। और महिला क्या होना चाहिए, स्नातक, सिर्फ स्नातक का मतलब ये होता है, महिला ने चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, कोई भी ग्रेजुएशन की अगर डिग्री है उसके पास, तो वो महिला इस फॉर्म को भर सकती है। और इसकी तैयारी कैसे करना है, मतलब ये वैकेंसी अक्टूबर में होने वाली है ये भर्ती, तैयारी के लिए समय कम है। और ये पूरी तरह से सिर्फ महिलाओं के लिए ये भर्ती होती है, जो कि महिला पर्यवेक्षक भी बोलते हैं, इसको सुपरवाइजर भी बोलते हैं। इसका सिलेबस मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इसका सिलेबस डिकोड कर देती है, छोटी सी ब्रीफिंग में आपको दे देता हूँ। सिलेबस के हिसाब से आपको क्या करना है, अभी पुराने क्वेश्चन पेपर, ये पेपर 2017 में जो परीक्षा हुई थी उसके पेपर देख लें, और साथ ही साथ सिलेबस को डिकोड करके समझ लें, मॉडल पेपर भी लगा लें। और इसको अगर हम बात करें, जो ये जो स्तर है इस परीक्षा का, स्नातक स्तर के प्रश्न रहेंगे। अब ये स्नातक स्तर के प्रश्न रहेंगे, ये भर्ती भी ग्रेजुएशन लेवल की है, 200 अंक लिखा हुआ है आप यहाँ पर देखेंगे। और अगर अंकों को हम डिवाइड कर दें, अब विषय हैं देखो, पहला जो खंड है, प्रथम खंड है पोषण एवं स्वास्थ्य। अब ये वाला जैसे पोषण की बात करें, तो पोषण के अंतर्गत जो आपका बैलेंस डाइट आ जाती है, आयोडीन, विटामिन, ये इस तरीके की, इसमें डिसीज कैसे होती हैं, किस पोषक तत्व से क्या प्रॉब्लम होती है और उसके सोर्सेस क्या हैं, इस तरीके से आप समझेंगे। इसके कुल आप देखेंगे 10 का वेटेज इसमें दिया हुआ है, 10 अंक का ये रहने वाला है। अब आजकल अब मैं आप अगला जो वीडियो रहेगा उसमें कुछ AI टूल बताऊँगा, फ्री AI टूल है, मतलब आप घर पर बैठे मोबाइल पर आप उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टूल का यूज़ करेंगे और आपको ये अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और डिजिटल मीडियम बहुत अवेलेबल हैं जिससे कि आप पढ़ सकते हैं आराम से, काम करते हुए, आप घर पर रहते हुए भी आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा जो आप देखेंगे, जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व। अब ये देख रहे हैं आप, किशोर अवस्था है, गर्भावस्था, ये जो महिला की जो एक एज ग्रुप है उसमें किशोरावस्था में किस तरीके से पोषण होना चाहिए, माताएं, नवजात, ये इसके 8 अंक रहेंगे, गर्भवती ये इसके 7 अंक हैं, टीकाकरण जो मुख्य टीका हैं, पोलियो वगैरह, इसकी जानकारी होनी चाहिए, कुपोषण के कारण और उनके उपाय क्या हैं, संरक्षण के उपाय, और ये कुल 55 अंक हो जाती हैं। 55 अंक का रहेगा सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, 55 अंक तो आप वहाँ से लेके आ जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप नॉर्मल सी आपने कहीं से भी पढ़ाई की है लेकिन आप ऐसे सामान्य क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए, सामान्य जानकारी जो होती है वो उस तरह के क्वेश्चन रहेंगे 55। और इसमें मतलब मुख्यतः खंड जो आ गया द्वितीय खंड, इसमें सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। अब आप देखें सामान्य ज्ञान विभागों में योजनाएँ हैं, जो महिला एवं बाल विकास योजनाएँ हैं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये सारी चीज़ 10 अंक हो गए। नियम अधिकार, नियम अधिनियम अधिकार, इसके भी 10 अंक हो जा रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे मतलब दहेज, घरेलू हिंसा, इसके अलग अलग कानून है, क्या प्रावधान है, कैसे शिकायत कर सकते हैं, ये सारी जानकारी। अब आप ऐसे समझिए, आप महिला पर परीक्षक बन जाएंगी तो आपको ड्यूटी में क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, किस तरीके से आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप खुद सोच के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। अब शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान ये हो जा रहा है। इसके अलावा आप देखें कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 7 अंक रहेंगे, ये कंप्यूटर की बेसिक, आप कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना आता है, वो आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य गणित, इसका 8वीं का लेवल है, ये सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य तर्क शक्ति है, सामान्य प्रश्न, श्रेणी, आकृति, इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे 55। अब हम आ जाते हैं, अब खंड 3 है, प्रबंधकीय गुण हो जाएंगे, मैनेजमेंट गुण आपके हो गए, इसमें भी 12 अंक, 10 अंक, इस तरीके से ये 45 अंक हो जा रहे हैं आपके। फिर चतुर्थ खंड है शिशु की प्रारंभिक देखभाल, मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, आप 3 से 6 साल के जो बच्चे की कैसे देखभाल की जाती है, क्या क्या उसको देख के आपको समझना है, कैसा उसका खाना रहेगा, कौन सी दवाएँ, कौन से टीका वगैरह लगाए जाते हैं, वो सारी जानकारी रहेंगी।
शाला पूर्व शिक्षा परिचय, स्कूल जाने से पहले बच्चे के अंदर क्या क्या हमको सिखाना चाहिए, कैसे उसको समझना चाहिए, ये सारी चीज़ें 12 क्वेश्चन रहेंगे इसके, इसके कुल 45 आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए रिजर्व रहेंगी जो सीटें, उनका सिलेबस 12वीं लेवल का रहेगा, तो इसमें भी जो ऑलरेडी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके लिए रिजर्व हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये आपको क्या करना है, 2017 के पुराने पेपर देख लेना है, तो जो भी इस अभी तैयारी कर रहे थे तो 1 अक्टूबर में भर्ती होने वाली है, पुराने पेपर लगा लें आप, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिलेबस आप एक एक पॉइंट आप गूगल पर सर्च करें, नॉर्मल डालें, सामान्य टीके हैं और बच्चों के से ले के महिलाओं को ले के सामान्य जानकारियाँ रहती हैं, वो आप गूगल करके वहाँ से आप सर्च कर लें तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत डिजिटल मीडियम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऐसे टूल आ गए हैं कि आपको बहुत कुछ मटेरियल बड़ी आसानी से मोबाइल पर ही मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हमारे चैनल के माध्यम से हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, जानकारी देंगे जो कि आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।